सूरज की किरणें दिन भर सफर करने के बाद थककर सिमटने लगी थीं और शाम के साए अपने पर फैलाने लगे थे। शमें जलने लगी थीं और परिंदे दिन भर उड़ने और दाना चुगने के बाद अपने अपने मस्कन की तरफ लौट रहे थे। शाम के साए में दो साए तंजा शहर की तरफ बढ़ रहे थे। इनके कदम कभी तेजी और कभी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। शक्ल से ये दोनों राहिब लगते थे। चलते चलते ये लोग तंजा शहर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गए। वहां इनकी मुलाकात चौकी पर मौजूद सिपाहियों से हुई। इन दोनों ने सिपाहियों को सलाम किया और कहा कि वो वाले ये तंजा तारिक बिन ज़ियाद से मुलाकात होना चाहते हैं। सिपाहियों ने मुलाकात की वजह पूछी, जो इन राहिबों ने बता दिया। इनमें से एक सिपाही इन लोगों के साथ हो लिया और वो शहर की तरफ रवाना हो गए। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज और ये फाते अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की पहली किस्त है। मगरिब का वक्त था जब ये लोग शहर पहुंच गए और शहर के जामे मस्जिद के बाहर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद मस्जिद से तारिक बिन ज़ियाद और ज़रीफ़ बिन मालिक नमाज पढ़कर बाहर निकले तो देखा कि एक सिपाही के साथ दो राहिब खड़े हैं। उन्होंने सलाम किया तो सिपाही ने कहा, ये दोनों राहिब आपसे मिलना चाहते थे तो मैं इनको अपने साथ यहाँ ले आया। तारिक बिन ज़ियाद ने राहिबों को मुलाकात की वजह पूछी तो उनमें से एक राहिब, जिसका नाम काउंट जूलियन था, उसने कहा कि हम अलवेरा के इलाके से आए हैं और वो इलाका आपकी अलमदारी में आता है। हमारे चर्च की राहिबा, जिसका नाम लूसिया है, को हस्पानिया का एक शख्स उठाकर ले गया है और वो ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है। हम शिकायत लेकर वहां के हाकिम के पास गए मगर उसने हमारी फरियाद नहीं सुनी। इसके बाद हम आपके पास आए हैं, तारिक ने कहा, अब आप लोग क्या चाहते हो? तो राहिब ने कहा कि हमारी राहबा को हमारे पास वापस पहुंचाया जाए। तारिक बिन ज़ियाद ने राहिब की रुदात सुनी और ज़रीफ़ बिन मालिक से मशवरा किया कि क्या किया जाए। दोनों ने यह फैसला किया कि इसको मूसा बिन नसीर के पास भेज दिया जाए और वहां से जो फरमान जारी होगा हम लोग उस पर अमल करेंगे। चुनांचे दोनों राहबों को मूसा बिन नसीर के पास भेज दिया गया और साथ इनकी सारी रुदात लिखकर भी भेज दी गई। मूसा के पास पहुंचकर उन्होंने तारिक का लिखा हुआ मुरासला पेश किया। मूसा ने मुरासला खोलकर पढ़ा और राहबों से हम कलाम हुआ, क्या हाकिम वक्त को इस वैश्याना वाक्य की इत्तला नहीं हुई? राहब सबको खबर है और सबको ही निहायत रंजो कलक है। मूसा, फिर ऐसे अबू लहूस और बदकार बादशाह को माजूल या कत्ल क्यों नहीं कर देते? राहिब ने कहा, इसलिए कि सब उससे डरते हैं। मूसा ने कहा, अच्छा आप मुझसे क्या चाहते हैं? जूलियन, सिर्फ ये कि आप इस जालिम से मेरा इंतकाम लें। जूलियन ने कहा, आप एक मजलूम की हिमायत में तलवार बंद कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या माकूल वजह होगी? मूसा ने कहा, ये तुम्हारा आपस का मसला है, खुद ही तय कर लो। जूलियन, अगर हम तय कर सकते होते तो तुम्हारा दरवाजा क्यों खटखटाते? राहब ने कहा, मुसलमानों का कौल है कि वो दुनिया में अमन कायम करना और मजलूमों की हिमायत करना अपना फर्ज समझते हैं। मूसा ने कहा, बेशक। राहब ने कहा, जो बेइज्जती जूलियन की गई है, इससे क्या वो मजलूम नहीं समझे जाते? मूसा ने कहा, बेशक। राहब बोला, फिर क्या आपका ये फर्ज नहीं हो जाता कि मजलूम की हिमायत करें और सालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं? मूसा ने कहा, बेशक ये मेरा फर्ज हो जाता है। राहब ने कहा, तो अल्लाह के लिए आप मजलूम की हिमायत कीजिए और सालिम को सजा दीजिए। मैं शराफत और तहजीब और इंसानियत के नाम पर आपसे अपील करता हूँ। जूलियन ने कहा कि अगर आपने हमारी इमदाद न की और मैं इस बदकार और जफाकार से अपना इंतकाम न ले सका तो मैं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ कि समंदर में डूबकर मरूंगा और मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा। मूसा ये बात सुनकर घबरा गया और उन्होंने जल्दी से कहा, मैं इंशाल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन। राहब ने कहा, लेकिन क्या? मूसा ने कहा, मैं महज एक वायसराय हूँ, खलीफा का मातहत मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ। अगर तुम पसंद करो तो मैं तमाम वाक्यात लिखकर आला हजरत खलीफा के हुजूर में अरसाल करके इनसे लश्करकशी की इजाज़त हासिल कर लूँ। राहब ने कहा, नहायत मुनासिब राय है। मूसा ने कहा, अच्छा तो मैं अभी लिखता हूँ। मूसा ने अपने उसी वक्त एक अर्स दास्त लिखी और अपने एक आदमी को देकर खलीफा की खिदमत में अरसाल कर दी। कौन जूलियन और राहब ने इनका शुक्रिया अदा किया और इजाजत लेकर रुखसत हो गए। इनके जाते ही मूसा और अब्दुल अजीज उठकर चले गए। इनके जाते ही लोग जौक दर जौक उठकर रवाना हो गए। हर मुसलमान वायसराय मूसा और दूसरे अराकीन सल्तनत खूब जानते थे कि
के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक जिस कदर रहमदिल फयास और सखी है, इसी कदर ये भी चाहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे और इसके हमसाया बादशाहों और ताजदारों में नासाकी ना हो, तमाम ममालिक में अमन अमान कायम रहे। जिस जमाने में बलाद मगरिब के वायसराय मूसा बिन नसीर थे, उसी जमाने में बलाद मशरिक के वायसराय हुजाज बिन यूसुफ सकफी थे। ये इराक में रहने वाले थे और मूसा अफ्रीका में। मूसा को मालूम था कि हिंदुस्तान के चंद खुद सरफराजाओं ने जजीरा सरंदीप लंका से आने वाले मुसलमानों को कैद कर लिया है और हुजाज बिन यूसुफ ने खलीफा हिंदुस्तान पर लश्कर कशी की इजाजत ली है। मूसा का ख्याल था कि खलीफा हिंदुस्तान पर लश्कर कशी की इजाजत दे देंगे कि वो वहां मुसलमान कैद थे, मगर अंतलस पर यौरस की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि वहां मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं था बल्कि आपस में ईसाइयों में मुनाक्षात थे। ताहम इन्हें कुछ उम्मीद जरूर थी और वो इसी उम्मीद पर ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थीं। अफ्रीका से अंदलस जाते हुए रास्ते में समंदर को बगैर जहाजों के उबूर करना मुमकिन न था। बुहिरा रोम ने अफ्रीका को अंदलस से बिल्कुल जुदा कर दिया था और मुसलमानों ने उस वक्त समंदर में जहाज रानी नहीं की थी, मगर जबकि अंदलस पर चढ़ाई का इरादा था तो ये जरूरी हो गया था कि जहाज तैयार करवाए जाए ताकि बुहिरा रोम को उबूर किया जा सके। चुनांचे मूसा ने जहाज तैयार करवाने शुरू करवा दिए थे। ये बात नहीं थी कि मुसलमान जहाज चलाना या बनाना नहीं जानते थे, फकत अब तक जरूरत लाहक नहीं हुई थी। चार जहाज तैयार किए जा रहे थे जो कि इस कदर बड़े थे कि इनमें से हर एक में 2000 आदमी और उनके खाने पीने का 15-20 रोज का सामान बआसानी आ सकता था। जंग पर जाने की हर मुसलमान की तमन्ना और ख्वाहिश थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कितने आदमी भेजे जाएंगे और इनका अफसर कौन होगा। अलबत्ता जहाद के शायकीन ने अभी से जहाद पर जाने के लिए दरख्वास्तें देना शुरू कर दी थीं। जो लोग तजर्बाकार थे और मुतअद्दद लड़ाइयों में लश्कर की कयादत कर चुके थे, उन्होंने अफसरी के लिए कहना और कोशिशें करना शुरू कर दी थीं। आम लोगों का ख्याल था कि मूसा अपने बेटे अब्दुल अजीज की सरकर्दगी में ये लश्कर भेजेगा, लेकिन मूसा चुप थे इसलिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। अलावा अजीज जब से मुसलमानों को अंदलस के बादशाह रास्रक की इशरत पसंदाना जिंदगी के वाकयात के बारे में मालूम हुआ था, वो सब इससे बहुत नाखुश थे और चाहते थे कि जल्द अज जल्द इसे इसकी बदकारी की सजा दी जाए। मुसलमान ना खुद बदकार थे और ना दूसरों को बदकार देखना पसंद करते थे। गोया वो नेकोकारी के ठेकेदार थे और चाहते थे कि सारी दुनिया इन्हीं की तरह नेक रहे, बदकारी और बदअमनी का दुनिया में नाम तक बाकी ना रहे। एक रोज मूसा दीवान खाने में बैठे हुए थे, उस वक्त इनके पास कई मुअस्सस अशख़ास मसलन अली इब्ने रबी, हयात इब्ने तमीमी, इब्ने अब्दुल्ला अयूब और अब्दुल अजीज वगैरह बैठे थे। ये तमाम वो लोग थे जो किसी न किसी वक्त लश्कर की कयादत कर चुके थे, निस नहायत मशहूर और शुजा लोग थे। अली इब्ने रबी तमी ने दरियाफ्त किया, आपने इस मुहिम की अफसरी के लिए भी कोई शख्स तजवीज कर लिया है? मूसा ने जवाब दिया, हाँ कर लिया है, मुमकिन है कि इसका नाम सुनकर आप सब भी इसकी तायद करेंगे। अब्दुल अजीज ने कहा, हजरत मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। मूसा ने कहा, ख्वाब? क्या ख्वाब देखा है तुमने? अभी अब्दुल अजीज ने अपना ख्वाब बयान करना शुरू भी नहीं किया था कि कौन जूलियन और अशबाबलिया का राहब दोनों आ गए। ये दोनों कारवान ही में मुकीम थे और अक्सर मूसा के पास आते रहते थे। अलेक्स लेक के बाद वो बैठ गए। तब मूसा ने अब्दुल अजीज से कहा, हाँ बेटा तुम अपना ख्वाब बयान करो। अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने देखा कि मैं बहरी सफर कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत से आदमी हैं। हम सब एक सरसब्ज पहाड़ पर जाकर उतरे और पहाड़ को उबूर करके 22,000 मैदानों को तय करने लगे। इसके नवाह में हजारों लाखों चिड़ियां थीं जो हमें देखते ही उड़ रही थीं। कभी कभी वो हमें चूंचें भी मारती थीं, मगर जब हम इनकी तरफ मुतवज्जे होते तो वो उड़ जाती थीं। मैदानों के बाद हमने आबादियां भी देखी, वो नहायत खूबसूरत और खुशनुमा थीं। एक जगह हम जब पहुंचे तो हमारे सामने एक चौड़ा दरिया आ गया। इस दरिया पर एक ऊंचा पुल बांधा था जो नहायत शानदार और मजबूत और खूबसूरत था। इसके दरवाजे जिनसे दरिया बह रहा था महर अबदार और ऊंचे ऊंचे थे। मैंने आज तक किसी पुल के इतने ऊंचे दरवाजे नहीं देखे। हमने पुल के जरिया से दरिया को उबूर किया और खुशनुमा वादी में जा उतरे। इस वादी में बहुत से खंडर थे और इन खंडरात में एक पत्थर का बहुत ऊंचा बुत नसब था, इतना ऊंचा कि इसके नीचे खड़े होने से इसका सर नजर नहीं आता था।
हम सब इस भूत को देखकर हैरान हो रहे थे कि इसकी पुश्त की तरफ से चंद औरतें आईं, सब निहायत खूबसूरत थीं और रेशमी पोशाकें निज सोने के ऐसे जेवरात जिनमें जवाहरात जुड़े हुए थे पहने हुए थे। लेकिन इनके दरमियान जो औरत थी वो इन सबसे ज्यादा हसीन और खूबरू थी। नीज इसकी पोशाक भी इन सबसे ज्यादा बेशकीमत और बड़कदार थी। इसके जेवरात आबदार मोतियों और जवाहरात के थे, मगर वो एक तोक पहने हुए थी जिसमें लालो याकूत जड़े हुए थे। इसकी चमक से इस औरत के रुखसार दमक रहे थे और इसका चेहरा चांद से ज्यादा जगमगा रहा था। इस औरत ने मेरी तरफ देखा और कुछ इशारा किया। मैंने इसके पीछे चलना शुरू किया। जब हम संगी बुत से जरा फासले पर पहुंच गए तो वो औरत और उसके साथ वालियां सब हंसी और मैं चौंक पड़ा। चौंकते ही मेरी आंख खुल गई। मूसा, राहब, कौंट जूलियन, नीस तमाम लोग खामोश बैठे हैरत भरी नजरों से अब्दुल असीज को देख रहे थे। वो सब इसको देख और इसका ख्वाब सुन रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो मूसा ने कहा, अजीब ख्वाब देखा है तुमने? जूलियन ने कहा, हाँ अजीब ख्वाब है, जरा एक बात तो बताएं। अब्दुल असीज ने कहा, जूलियन क्या आप कभी अंदलस गए हैं? अब्दुल अजीज ने कहा, कभी नहीं गया। मूसा ने कहा, आपने ये सवाल क्यों किया? जूलियन ने कहा कि इसलिए कि उन्होंने जो कुछ बयान किया है वो अंदलस की सरजमीन के मुतालिक है। मूसा ने कहा, क्या वहाँ के पहाड़ और मैदान सरसब्ज हैं? जूलियन ने कहा, जी हाँ, हकीकत में अंदलस बहिश्त का नमूना है। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो चीजें पैदा की हैं वो सब अंदलस को बख्शती हैं। वो फलों की बहुतात और आसमान के साफ रहने के लिहाज से मुल्क शाम है। आबो हवा की उम्दगी के ख्याल से यमन और अरब का नखलिस्तान है। मेवों की कसरत की वजह से और ताजगी के एतबार से हिजाज है। जरखेजी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू के अंदाज से हिंदुस्तान है। बेशकीमत कानों के बायस सुकेटे है और समंदर के साहिलों की खुशकता और फायदा रसानी में अदन है। मूसा ने कहा, आपने तो इसकी बड़ी तारीफ कर डाली है। जुगले ने कहा, वो मुल्क ही तारीफ के काबिल है, मगर आपकी साहबजादे ने जो ख्वाब देखा है इसने मुझे वर्ताई हैरत में डाल दिया है। मूसा बोले, क्यों? जूलियन ने कहा, इसलिए कि उन्होंने कभी अंदलस नहीं देखा, मगर ख्वाब में अंदलस पहुंच गए। जिस बुत का उन्होंने बताया है वो मरेडा के खंडरात में से है और निहायत मशहूर है। इसका नाम कुलैसा है। दुनिया भर में इतना बड़ा और अच्छा बुत कहीं नहीं है। मूसा ने कहा, और वो औरत? जूलियन बोला, जिस औरत को इन्होंने ख्वाब में देखा वो शाह राजरुख की बीवी नायला है। इसका तोक दुनिया भर में बेनजीर है और वो हसीन भी ऐसी है कि जैसा कि इन्होंने बयान किया है सारे अंदलस में वो तोक वाली हसीना के नाम से मशहूर है। मूसा बोला, ताजुब है मेरे बेटे, ख्वाब में अंदलस हो आए हैं। अब्दुल असीज ने कहा, क्या आप मुझे बेदारी में अंदलस जाने की इजाजत देंगे? मूसा ने कहा, नहीं, मैंने इस मुहिम के लिए और ही बहादुर को मुंतखब कर लिया है। अब्दुल असीज ने मायूसी से कहा, और वह कौन है? मूसा बोले, जब दरबार खिलाफत से इजाजत आ जाएगी तो उस वक्त तुम्हें और सब मुसलमानों को मालूम हो जाएगा। उस वक्त एक खादिम ने आकर इत्तला दी, हुजूर कासिद दमिश्क से वापस आ गया है। सब ये खबर सुनकर खुश हो गए। मूसा ने कहा, जल्दी से इसे अंदर बुलाओ। खादम वापस चला गया और सब बेचैनी से उसके आने का इंतजार करने लगे। जब कासिद के आने में जरा देर हुई तो इन लोगों में क्यास आराइयां शुरू हो गईं। जूलियन ने कहा, क्या आपके ख्याल में आला हजरत खलीफुल मुस्लिमीन ने लश्कर कशी की इजाजत दे दी होगी? मूसा ने कहा, मैं सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि एक मुहिम हिंदुस्तान पर भेजी जा रही है और वो अशद जरूरी है। जूलियन बोला, क्यों? मूसा ने कहा, इसलिए कि सिंध के मगरूर और मुतकबर राजा ने चंद मुसलमानों को कैद कर लिया है। उन्हें छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान पर लश्कर कशी जरूरी हो गई है। जूलियन ने कहा, आप मुसलमानों में बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद है। मूसा बोले, क्यों ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान मुसलमान भाई हैं। जब एक भाई पर मुसीबत आए तो या इसे तकलीफ हो तो दूसरा भाई इससे मुतासिर ना होगा, और अगर मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ और परेशानी में देखेगा तो इसकी मदद नहीं करता तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नाखुश होते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की हर मुमकिन इमदाद करने पर मजबूर है और इसी वजह से मुसलमानों में यगानगत और भाईचारा है। जूलियन बोला, ठीक फरमा रहे हैं आप। जो मोहब्बत, जो खुलूस और जो प्यार मुसलमानों में है वो तमाम दुनिया में कहीं भी नहीं।
किसी कौम में नहीं है। इतने में कासिद अंदर आ गया। इसने बुलंद आवाज में कहा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मूसा ने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात कहकर उसे बैठने का इशारा किया। वो एक तरफ बैठ गया। मूसा ने दरियाफ्त किया, कहो आला हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन बखैरियत हैं? कासिद, जी हाँ अल्लाह के फजल करम से। मूसा ने कहा, और दूसरी हुकूमत के अकाबरीन मिल्लत? कासिद ने कहा, सब खैरियत से हैं और सब ने सलाम कहा है। मूसा ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, और आम मुसलमान कैसे हैं? कासिद ने कहा, वो भी अच्छी तरह हैं, मगर अदना मुसलमानों से लेकर आला तक, हत्ता के खलीफा भी इन मुसलमानों की वजह से, जिन्हें हिंदुस्तान के मगरूर राजा दाहर ने कैद कर लिया है, सख्त परेशान और बेकरार हैं, और सबकी निगाहें इस मुहिम पर लगी हुई हैं जो कि वहां भेजी जा रही है। मूसा ने कहा, अच्छा, मेरी अर्जदाश्त का जवाब मिला? कासिद, जी हाँ। मूसा बोले, लाओ। कासिद ने खलीफा का मुरासला निकाल कर पेश किया। मूसा ने लेकर अव्वल इसे चूमा और फिर खोल कर पढ़ा। लिखा था, मिन जानिब वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफतुल मुस्लिमीन अज दमिश्क बजानब मूसा बिन नसीर वायसराय बलात मगरिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बादस हम्द व सलात के कलमी है कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया से फस्क व फजूर, बदकारी, बदअमनी को दूर करने आए हैं। अगरचे हिंदुस्तान की मुहिम दरपेश है, मगर इस मुहिम की वजह से कौन जूलियन की मदद से बास नहीं रह सकते। वो मजलूम है और मजलूम की हिमायत करना मुसलमान का अव्वलीन फर्ज है। इस मुहिम का कुल्ली इख्तियार तुमको देते हैं, तुम निहायत होशियारी से इसे शुरू करो। यहाँ तजर्बाकार लोगों को अंदलस भेजो और किसी ऐसे अफसर का इंतखाब करो जो इस मुहिम के लिए मुनासिब और मौसूम हो। अव्वल ज्यादा लश्कर भेजने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लश्कर भेजो, जरूरत लाहक हो तो कुछ और लश्कर भेज देना। फकत वस्सलाम और रहमतुल्लाह व बरकात। इस शाही मरासला को पढ़कर इतनी मुसर्रत मूसा को ना हुई होगी जितनी ये सुनकर कौन जूलियन और राहिब को हुई। राहिब ने कहा, कहिए, अब तो दरबार खिलाफत से भी इजाजत मिल गई है, अब क्या इरादा है आपका? मूसा ने कहा, मुझे सिर्फ इसी का इंतजार था, खलीफा ने मेरी अर्जदाश्त मंजूर कर ली है, अब कोई रुकावट नहीं है, परसों जुमा की नमाज के बाद इंशाल्लाह लश्कर रवाना हो जाएगा। फातेह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।